देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो स्विंग का मतलब होता है बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल। आपको दूर जाना है तो सामान हल्का ही लेके चलोगे। तो बेटर यह है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो दो चार चीज़ों से भी आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। मेरे को अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए, ओवरनाइट रिस्क मिटिगेट करने के लिए क्या माइंडसेट के साथ स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए? जैसे ब्रूसली है, ब्रूसली ने बोला था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 किक्की आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार करी है। स्विंग ट्रेडिंग, अरे यार ये इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग कैसे होती है? इसमें प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? इसमें पैटर्न्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? कौन सी गलतियां जो इंट्राडे ट्रेडर्स करते हैं वही गलतियां यहाँ पे आके ना दोहराएं? इन चीज़ों को लेके क्या समझ होनी चाहिए आप में? अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स या पैटर्न्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है? ओवरनाइट पोजिशन में जो रिस्क होता है ना उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग में कमाने के पैसे अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? और एक 3 या 4 हफ्ते में अगर आपको होल्डिंग करनी है तो अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए? फंडामेंटल्स की जरूरत है नहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं? इन सब चीजों का आंसर आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर मनी मार्केट्स एंड माइंडसेट की वीडियो में, जहां पे हमने उमेश शर्मा के साथ डिटेल में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरी छानबीन की, कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग ली कि प्रैक्टिकल लेवल पे को समझाओ यार, सिखाओ यार। बातें हम स्पेसिफिकली ऐसी करेंगे ताकि जो लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में अपने कदम रख चुके हैं या रखना चाहते हैं उनके लिए कुछ वैल्यू ऐड हो। होपफुली आपको ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अच्छा लगेगा। इन केस अगर आपके पास फीडबैक है अच्छी बुरी जिसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मनी मार्केट्स एंड माइंडसेट की स्विंग ट्रेडिंग वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब मार्केट में जितने तरह के लोग होते हैं, जितने तरह की ट्रेडिंग मेंटालिटी होती है, उसी हिसाब से अलग अलग तरह के ट्रेडिंग फॉर्मेट बन रखे हैं। कोई कहता है मैं बहुत रिस्क लूंगा, कोई कहता है नहीं ले सकता, कोई कहता है देखते हैं यार डिपेंडिंग, कोई कहता है मैं बिगिनर हूँ, कोई कहता है मुझे चार्ट पैटर्न आते हैं, कोई कहता है यार 10 साल हो गए मुझे सब आता है मार्केट का। उसी हिसाब से इंट्राडे है, BTST है, स्विंग है, स्कैल्पिंग है, पोजिशनल है। अब इंट्राडे तो अपन उस दिन कवर कर लिया, हमें लगा था शुरू में कि शायद कुछ ज़्यादा सिखा ना पाए, पर मुझे लगता है कमेंट्स के हिसाब से आप के जो पॉइंट्स थे काफ़ी कुछ सिखा गए। तो आज ना अपन एक स्टेप आगे चलते हैं, इंट्राडे अपन ने उस पिछली वीडियो में कवर कर लिया, आज हम स्विंग की तरफ देखते हैं। मार्केट में जब स्विंग आता है, चाहे अप ट्रेंड में आए चाहे डाउन ट्रेंड में आए, किस तरीके से मोर और लेस वही चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए क्या टाइम फ्रेम में चेंज आएगा, क्या मेंटेलिटी में चेंज आएगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड का दिमाग में उसके एक ट्रेडर के रहेगा, कब निकलना है, कब एंटर करना है, कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर लगाना है इस बार और उसको किस तरीके से देखना है, स्विंग में कैसे होएगा, लेट्स गेट इनटू दैट। कुछ तो अलग बताने वाले हो मुझे लगता है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो स्विंग का मतलब होता है बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल, और वही चीज़ हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी करते हैं। बट इसमें अलग इंट्राडे से ये है कि अपनी पोजीशन को यहाँ पे हम होल्ड करते हैं कुछ दिन के लिए, चाहे हम नेक्स्ट डे के लिए कैरी करें या हम कुछ दिनों के लिए कैरी करें। पैसा इंट्राडे ट्रेडर भी कमाता है, स्विंग ट्रेडर भी कमाता है, बट स्विंग ट्रेडर इंट्राडे से कैसे बेहतर हो सकता है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग कौन करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता, मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो वो अपनी पोजीशन को थोड़ा कैरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो बाइंग भी करते हैं बट वो शॉर्ट सेलिंग इतना नहीं कर पाते। उनका सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई वो अगर इक्विटी में पोजीशन शॉर्ट करेंगे तो उन्हें इंट्राडे ही निकलना होता है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आप अपनी शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट सेलिंग वाली पोजीशन जी, व्हाट वो इक्विटी में नहीं रहती। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, आप पुट बाय कर सकते हैं, आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर में अपनी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी हम ना बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे कि स्विंग का एंटर करने का आई गेस इंट्राडे की तरह ऐसा नहीं होता है कि मार्केट के शुरू में एंटर करना है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे एंटर करना है। आई गेस स्विंग मार्केट डिसाइड करती है कि आपको कब एंटर करना है डिपेंडिंग कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर हम स्विंग की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन अगेन मैटर करेगी जी। तो इस केस में क्या फ़र्क है इंट्राडे से, और अगर मेरे को सिर्फ आइसोलेशन में स्विंग भी समझना हो कि यार मेरे को अगले कुछ दिनों के लिए स्विंग मोड में जाना है, कोई ट्रेड में एंटर करना है और कुछ परसेंटेज जब प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये माइंडसेट के साथ जाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट इस ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है और वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहने वाला है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करूंगा?
देखिए, स्टॉक का सिलेक्शन वैसे ही होगा जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, उसका बेस जो रहेगा वो होगा टेक्निकल एनालिसिस। बट यहाँ पे ना अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं, कोई कहता है कि भाई मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है, कोई कहता है मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कोई कहता है जी मुझे लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखो, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, आप किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपको उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आपको उनको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी देनी होती है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मार्केट में हैं तो क्यों हैं, क्या रीज़न है आपका, आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा, आपको पैसा कमाना है, चाहे पैसा आपको एक दिन में मिले चाहे दो दिन बाद मिले। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक दिन में 1,000 रुपये कमा सकते हैं, बट अगर और आप 2 दिन बाद उसी 1,000 को 3,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आप 2 दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते अपनी पोजीशन? एब्सोल्युटली कर सकता हूं। तो आप पैसा ही तो कमा रहे हैं ना, तो इसकी हमें कसम नहीं खानी कि भाई मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मुझे इंट्राडे ही ट्रेडिंग करनी है, मुझे आज ही एग्जिट होना है। अगर आपको पैसा 2 दिन बाद ही मिल रहा है तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन ये होना चाहिए कि आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बट ये जो डिसीजन है ये मुझे ट्रेड में एंटर करने से पहले ही लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि इंट्राडे के लिए सोच के गया मैं और जो सोचा था वो हुआ नहीं, अब मैं स्विंग बन जाता हूँ कुछ दिन के लिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के टाइम पे जब हमने कोई हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक में कोई पैटर्न बन चुका है। अब एक्सिस बैंक में कोई पैटर्न बन चुका है और मैं ये स्टॉक बाय कर रहा हूँ और मेरा मैंने एक अपना टारगेट सेट कर रखा है, एक स्टॉप लॉस भी सेट किया, एक टारगेट भी सेट किया, करेक्ट, बट मेरा टारगेट इंट्राडे में नहीं आया, आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, तो आप अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए भी कैरी कर सकते हैं। बट इसमें भी सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है, वो कहते हैं कि भाई मार्केट अगर कहीं मेरे अगेंस्ट गैप डाउन ओपन ना हो जाए, बट ये भी तो हो सकता है कि मार्केट आपके फेवर में ओपन हो जाए और मार्केट आपके टारगेट पे ही ओपन हो। तो कभी भी आपको डरना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और स्विंग ट्रेडिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इंट्राडे अपनी जगह है, स्विंग अपनी जगह है। अपन प्रैक्टिकल में भी जाएंगे, बट मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जो ओवरनाइट का रिस्क होता है या रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब या तो लॉस होएगा या गेन होएगा, वो मेरे को अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए, ओवरनाइट रिस्क मिटिगेट करने के लिए क्या माइंडसेट के साथ स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए कि मैं जो पोजीशन में गया हूँ ये नुकसान नहीं देने वाली मेरे को? देखिए, उसके कुछ तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एग्जांपल के तौर पे आज आपने इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन बनाई है और आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे अगले दिन के लिए पोजीशन होल्ड करनी है तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। ओके, दूसरा रहता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन आप हेज करके चल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप अपने अगले दिन के रिस्क को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। बट मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकल पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से कोई स्टॉक्स पिकआउट करते हैं एंड देन लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि मेरे एंट्री एंड एग्जिट्स क्या हो सकते हैं, किस बेस पे मैं करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से मिड कैप स्टॉक्स उठाएंगे सो दैट जो मेरा रिस्क एपेटिट हो थोड़ा टेस्ट हो और मेरा रिवॉर्ड भी रिलेटिवली ज़्यादा हो। जी ठीक है, आपके मैं एक स्टॉक लगा देता हूँ यहाँ पे मिड कैप में। देखिए, हमारे पास एक स्टॉक है बाटा इंडिया, बाटा इंडिया का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है। बट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, मगर जब हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है तो उस केस में हमें अपने टाइम फ्रेम्स को बढ़ाना पड़ता है। तो हम चाहे तो इसमें 30 मिनट का चार्ट या अवर्ली का चार्ट भी ले सकते हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और एक पैटर्न के बारे में बताया था जिसका नाम था बुलिश हरामी पैटर्न, करेक्ट, और बुलिश हरामी पैटर्न हमें 15 मिनट्स के चार्ट पे बाटा इंडिया में भी दिखाई दिया है। अब एग्जांपल के तौर पे बाटा इंडिया में जो बाइंग पोजीशन बनती है वो 1811 के आसपास बनती है, 1810 के आसपास बनती है, right. और इसमें जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 1799 का, तो right. यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 11-12 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट यूज़ करा है। ओके, उसी केस में अगर हम अपने टाइम फ्रेम्स को बढ़ाते हैं, हम 30 मिनट का चार्ट करते हैं, तो 30 मिनट के चार्ट में भी सेम पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है जो कि बुलिश हरामी पैटर्न है। अब यहाँ पे जो बाइंग इनिशिएट हो रही है वो 1815 के ऊपर हो रही है, स्टॉप लॉस उसमें 1799 का सेम रहेगा। बेसिकली स्टॉप लॉस क्या है, वो बेरिश कैंडल के लो का स्टॉप लॉस है और थर्ड कैंडल के ऊपर हम बाय कर रहे हैं। बट अगर आप इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ से प्राइस अभी उसी रेट पे है जिस रेट पे हमने बाइंग किया हुआ है। तो जो स्विंग ट्रेडर होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो अपनी पोजीशन बनाता है और जब तक उसका स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आता
वहाँ तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। अब इंट्राडे में क्या था कि इंट्राडे में तो जो इंट्राडे ट्रेडर था उसे तो कुछ मिला ही नहीं, हो सकता उसे नुकसान हो गया हो, करेक्ट, क्योंकि ना उसका टारगेट है ना उसका स्टॉप लॉस है। बट जो स्विंग ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा नेक्स्ट डे के लिए इस एक्सपेक्टेशन से कि उसका टारगेट आएगा। ये जो नंबर ऑफ डेज हैं ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकते हैं। अभी आज मैं कह रहा हूँ कि मैं कल तक रुकता हूँ, बट मैं शायद कल कहूँगा मैं परसों तक रुकता हूँ। बिल्कुल, अगर ट्रेंड एज इट इज़ फॉर्म कंटिन्यूशन में चले जा रहा है तो देखिए क्या होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट में कभी कभार वॉल्यूम्स कम होते हैं तो हम तो वॉल्यूम्स के क्रिएटर नहीं है ना। हम क्या करेंगे, छोटा मोटी बाइंग सेलिंग कर देंगे। बट उस दिन अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो हमें अपनी पोजीशन को होल्ड ही करना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है कि आपको अगर लग रहा है कि इंट्राडे में पैसा नहीं बन रहा और आपको पता है कि आपका टारगेट आएगा, 100% कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट आपके पास आपका स्टॉप लॉस है, तो उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर से आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, देन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगेगा इंट्राडे में ही। अगर आपने आज पोजीशन बनाई तो कल का स्टॉप लॉस आप आज नहीं लगा सकते, मार्केट ओपन होने पर ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को ये कंफर्मेशन करनी है व्हाइल आई एम एंटरिंग कि मैं स्विंग सोच के गया हूँ ना अभी, तो कि ये जो ट्रेंड है कितनी देर कंटिन्यू रह सकता है, कुछ ना कुछ तो मैं डिफरेंस करूँगा ना एज़ कम्पेयर टू अदर शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग्स। देखिए क्या होता है ना, कोई भी एनालिसिस, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी एनालिसिस आपको ये नहीं बताता कि आपका टारगेट कितने दिन में आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, पर कितने का आएगा ये तो बताइए। ये पता हो सकता है बट वो डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम के ऊपर। देखिए कई बार हमने ट्रेड बनाया और हम ये सोच के चलते हैं कि ये ट्रेड जो होगा हमारा 2 दिन बाद स्क्वायर अप होगा, पता चला कि 10 मिनट बाद ही टारगेट आ गया। अब जैसे हमने 2 दिन पहले अमराजा बैटरी रिकमेंड करा था और हमने टारगेट दिया था और हमने ये बोला था ये टारगेट 1 महीने के अंदर आ जाएगा, पता चला कि 2 दिन बाद ही वो 11% बढ़ गया। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हाँ, हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा ना करना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पैसे से प्यार है तो आपको भी पोजीशन को अपनी होल्ड बनाना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडर जो होता है उसको लॉस कब होने के चांसेस होते हैं? देखिए स्विंग ट्रेडर को लॉस होने के चांसेस होते हैं, वो अपने टेक्निकल के बेस पे वो ट्रेड बनाता है और अगर हम देखें टेक्निकल एनालिसिस की जो एक्यूरेसी होती है वो 70-80% होती है। ओके, 20-30% उसको भी नुकसान होगा। तो सिंपल है, जैसे आप इंट्राडे ट्रेड बना रहे हो वैसे ही आप स्विंग ट्रेड बना रहे हो, हो सकता है कि अगले दिन आपका स्टॉप लॉस कट जाए, अगर स्टॉप लॉस कट जाता है तो वहां से आपको एग्जिट होना है। देखो टाइम फ्रेम के अलावा मेरे को और क्या चीज़ों को समझना? देखो मैं पैटर्न में बना लूंगा जैसे पहले बनाए थे इंट्राडे में भी, और जिन्होंने इंट्राडे वीडियो नहीं देखा है तो वो डेफिनेटली जरूर देखें बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। बट अगर चलो मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ इन आइसोलेशन और मैंने चार्ट पैटर्न्स भी कर लिए और मैंने वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी ले लिया है MACD लगा के, क्या ऐसे और इंडिकेटर्स मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे जो कि इंट्राडे से बिल्कुल अलग हैं, जो कि एक्सक्लूसिव हैं स्विंग को लेके, वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे ही इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा जो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही है, वो है रिटेस्ट और पुलबैक स्ट्रेटेजी। अगर आप रिटेस्ट या पुलबैक पे काम करेंगे तो स्विंग ट्रेडर उससे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल स्क्रीन पे ही देना चाहूँगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का जो मनपसंद है वो है निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शन पे भी काम होता है। हम वैसे नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस भी कवर करेंगे और यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ और निफ्टी का मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाता हूँ। ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट पे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक ट्रेंड लाइन, माफ़ कीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, देखिएगा। और मैं इस एरिया को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इस जगह पे देखिएगा। ये बेसिकली क्या है कि डेली का चार्ट है। अब हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम डेली का चार्ट, 4 आवरली का चार्ट, आवरली का चार्ट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, क्योंकि हमें बड़ा पैसा बनाना है। अब इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है कि वो स्कैल्पर होता है ज़्यादातर, या वो 1:1 का टारगेट लेके चलते हैं। बट जो स्विंग ट्रेडर होता है वो छोटे से नुकसान से बड़ा पैसा बनाना चाहता है। अब अगर आप रैली को राइड करना चाहते हैं, प्रॉफिट को राइड करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट डे के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी है, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रेकआउट पे काम कैसे करना है, जब फर्स्ट बुलिश कैंडल बनती है और सेकंड कैंडल भी बुलिश होती है और वो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती है। बट यहाँ पे देखा हमने सेकंड कैंडल क्या थी, बेरिश थी, और बेरिश के बाद बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। बट अगर अभी देखेंगे तो 18,120 का रेट चल रहा है,
निफ्टी का, और यहाँ से अगर निफ्टी ने 18150 के ऊपर 18150 का लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, और पुल बैक के हिसाब से यहाँ से फिर निफ्टी का जो टारगेट बनेगा वो 18600 से 700 का बनेगा। अब मैं बोलूँ कि आपको कि अब यहाँ से निफ्टी का 500 से 600 पॉइंट का टारगेट है तो क्या वो इंट्राडे में तो अचीव नहीं होगा, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको स्विंग ट्रेडिंग बनानी ही पड़ेगी। और पुल बैक स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके बेस पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी है, इस पैटर्न की एक्यूरेसी जो है वो 80% तक है। ओके ओके, तो पुल बैक का मतलब होता है जब ब्रेकआउट का फेलियर हो और सेकेंड टाइम पे मार्केट क्या कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है पूरे वॉल्यूम के साथ। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको एमईसीडी के बारे में बताया था, और एमईसीडी में अभी कहीं पे भी डाइवर्जेंस नहीं है, पूरी तरीके से कन्वर्जेंस वॉल्यूम के साथ चल रहा है। एक तरीके से मार्केट अभी एक तरह से निकलने वाली थी बट वो कर नहीं पाई जो अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने वाली थी, दूसरी बार फिर वॉल्यूम के साथ वो ट्राई मार रही है, और आप कह रहे हो जब वो दूसरी बार ट्राई मारेगी तो वॉल्यूम के साथ वो नया लेवल क्रिएट करेगी। बिल्कुल, और उस लेवल पे कब तक पहुंचना है ये मार्केट ही डिसाइड करके देगी, बट तेरा हाई चांसेस कि वो लेवल क्रॉस होएगा। वो लेवल क्रॉस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडर ज़्यादातर क्या करते हैं कि पहले तो ये होता था कि जब मार्जिन वगैरह थे तो उस टाइम पे लोग इक्विटी में काम कर लेते थे, कैश में काम कर लेते थे, बट अभी क्या हुआ है कि अभी मार्जिन पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, तो उस केस में लोग क्या ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लोग गलती ये करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते समय कि वो वीकली ऑप्शन पर चले जाते हैं, वो वीकली ऑप्शन पर उनके एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब जैसे हमने बताया कि निफ्टी जो है 18600 तक जा सकती है, 18600 जा सकती है, तो कई लोग क्या करते हैं 18600 की कॉल ले लेते हैं, और वो भी वीकली एक्सपायरी की, जिनमें उनके नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमने तो स्विंग ट्रेड बनाया था और स्विंग ट्रेडिंग में हमारा नुकसान हो गया। तो ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं। तो उस केस में एक्सपायरी थोड़ी सी लंबी खींच सकते हैं वो, दैट्स वन सॉल्यूशन। जी, उस केस में आपको मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपका टारगेट कितने पॉइंट्स का है। अगर आप निफ्टी में 200-300 पॉइंट्स का टारगेट देख रहे हैं तो उस केस में आपको एट द मनी पे काम करना पड़ेगा या ITM पे काम करना पड़ेगा, और उसमें आप 2-3 वीक की एक्सपायरी पे काम करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपका टारगेट ज़्यादा है 500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का, तो वहाँ पे आपको मंथली ऑप्शन पे ही काम करना पड़ेगा, और उस केस में भी आपको एट द मनी पे ITM पे काम करना पड़ेगा। बट इस चीज़ को फिर, वैसे तो हम ऑप्शंस पे थोड़ा ज़्यादा घुस जाएंगे, तो मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ, फिर वापस अपन पुल बैक पे आएंगे कि 18600 के लेवल पे उसने कर भी दिया अगर, बट मंथली भी लगा लिया, बट ऐसा ना हो कि उसने मंथली एक्सपायरी पिक कर ली और ऐसा स्ट्राइक प्राइस पिक कर लिया जो टच ही ना हो, वो वहाँ पे भी रह जाएगा। जैसे कि उसने ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस पिक किया, मान लो कि अब मैं एक महीने का खेल रहा हूँ तो मार्केट के पास ज़्यादा समय है उसको स्ट्रेच करने का, 18800 तक चला गया उसका दिमाग, वहाँ पे मार्केट महीने के बाद भी नहीं पहुँचेगी, तो वो चीज़ों को कैसे श्योर हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस किस ड्यूरेशन तक के लिए सही है, या पहले ही निकल जाए जितना भी प्रीमियम मिलता है, जितना भी उसका यू नो प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल के। देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं, और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम के साथ भी खेलना पड़ेगा। करेक्ट। कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई मैं अवर्ली चार्ट देख रहा हूँ तो अवर्ली ही चार्ट देखूंगा, मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ तो मैं डेली चार्ट देखूंगा। आपको अपने टाइम फ्रेम्स को भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपके सामने डेली का चार्ट लगाया है, डेली के चार्ट अलग तरीके का पैटर्न बन रहा है, वहीं पर अगर मैं इसको वीकली चार्ट लेके जाऊँगा तो वीकली चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा, इसके लिए मेरे को चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट फ्लैग पैटर्न है। Correct. और यहाँ से देखेंगे ये पूरी तरीके से पोल है, और ये जो है ये फ्लैग है, और फ्लैग का जो ब्रेकआउट आया था मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पुल बैक का। ये मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दिखेगा, ये फ्लैग है और पिक्चर परफेक्ट फ्लैग है, यहाँ से देख सकते हैं, और इधर दिखेगा कि यहाँ से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा था, दो बार उसने ट्राई करा अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, बट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बट वही मैंने जैसे बताया कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया, बट फर्स्ट बुलिश कैंडल सेकंड कैंडल भी बुलिश होनी चाहिए, बट इस केस में तो ऐसा नहीं था, इस केस में तो सेकंड कैंडल बेरिश थी, और उसके बाद बाजार नीचे आया हल्का सा, और सेकंड टाइम पे इसने क्या करा, पूरी तरीके से पुल बैक करा, और यहाँ पे जो पुल बैक देखने को मिला था, यानी कि सेकंड टाइम पे रिटेस्ट कर अपने सपोर्ट लेवल को, और वहां से जब उछला वॉल्यूम के साथ तेजी आई जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसके बाद 17400 के ऊपर निफ्टी में एक परफेक्ट बाइंग बनी थी,
ये हमने खुद भी बाय करा था, अपने सब्सक्राइबर्स को भी बाय कराया था। अच्छा। और वहां से रिकमेंड भी करा था कि बाजार में तेजी आ सकती है, और आज रेट देख रहे हैं उसका 18,100, यानी कि जहां से रिकमेंड करा था वहां से 700 पॉइंट्स की तेजी आ चुकी है। बट यहां से ये रुकने वाला नहीं है, यहां से अपना ये क्या करेगा, लाइफ टाइम जो हाई है वो हाई क्या करेगा, एक बार टेस्ट करेगा कुछ 18,600 के आसपास। तो ये वीकली चार्ट का पैटर्न है, डेली चार्ट में अलग पैटर्न था। वहीं पे अगर हम आपके सामने अवर्ली का चार्ट लगाते हैं तो अवर्ली के चार्ट में अलग पैटर्न बना हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने डेली चार्ट के हिसाब से बाइंग करनी है, बट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी जाके कुछ चेक करना है, कुछ रिवर्सल चेक करने हैं और उसकी भी कन्फर्मेशन लेनी है। तो पर देन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप उस हिसाब से टाइम फ्रेम करोगे, अगर आप स्विंग कर रहे हो उस हिसाब से आप करोगे। बट अगर आप बाइंग एक पैटर्न के बेस पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल क्रिएट करके, और नहीं यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा था और इस केस में कुछ और ही गेम बन रही है, इन चीज़ों के बेस पे कर रहे हो, तो आर देयर चांसेस फॉर समबडी हु इज़ लेट्स से इन चीज़ों को समझ रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, वो कहेगा यार मैं तो इसमें ही कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा कि मैं कौन से पे चार्ट पैटर्न पे, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम बता पाएं कि अगर आप ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इन तीन चार चीज़ों को समझिए, ये टाइम फ्रेम रखिए और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स जो शुरू में वो देखे, और जो कर रहा है बहुत समय टाइम से वो ऑब्वियसली उसको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए मैं अपना एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, अभी मैंने बट बेसिकली हम चाहते इंटेंशन यही है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो यहाँ पे इस पॉइंट इन टाइम पे आके इस जब भी ये वीडियो का लेंथ है वो ये ना कहे कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जी वो ये नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए क्या होता है कि अभी मैंने एक साल पहले ही गाड़ी चलाना सीखा है। हाँ। इससे पहले मैं ये सोचता था यार गाड़ी चलाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। हाँ। मुझे ऐसा लगता पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं लोग। हाँ। और आपको एस्केलेटर भी लगाना है, आपको रेस भी देनी है, आपको ब्रेक भी लगानी है, आपको गियर भी चेंज करने हैं, भैया दो पैर है भगवान ने दिए हैं और ये काम तीन तीन करा रहे हैं। Correct. फिर एक हाथ आपका स्टीयरिंग पे भी रहेगा, एक आपका हाथ दूसरा गियर पे रहेगा, गियर पे भी रहेगा, साथ साथ आपको साइड मिरर भी देखना है, आपको लेफ्ट का मिरर भी देखना है, आपको फ्रंट का मिरर भी देखना है। मुझे तो लगा था गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है और मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। तो देखो क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लगता है, अगर आप उसमें टाइम दे दो, दो महीना, तीन महीने, छः महीना दे दोगे तो वही चीज़ आपको आसान दिखने लग जाती है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस को इस तरीके से पढ़ाया जाता है जो सामने वाले को लगता है कन्फ्यूज़ है। करेक्ट। उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उसको लगता है पता नहीं क्या हुआ है ये, शायद हम सीख नहीं पाएंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। हाँ टाइम फ्रेम्स की बात अगर हम करें तो टाइम फ्रेम्स में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम से करनी है। ओके। देखिए आपका मकसद जो है, आपका इंटेंशन जो मार्केट को लेके, वो पैसा कमाना है। राइट। आप ये वीडियो गेम नहीं है कि प्लेयर मर गया तो दोबारा से जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको 30 मिनट का चार्ट, अवर्ली का चार्ट देखना है, और जब आपको लग रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे काम करना है, यानी कि मेरे को बड़े टारगेट्स लेने हैं, तो उस केस में डेली, वीकली, मंथली का चार्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी चाहिए, दो चीज़ें, वन कि आपको टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दो आपको परसिस्टेंस देनी पड़ेगी, इसका कोई श्योर शॉट या ईजी सोल्यूशन है नहीं, टाइम लगाना पड़ेगा, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपर्ट हो, मार्केट को समझने के लिए ये जो अलग अलग चार्ट पैटर्न्स हैं या जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालने की बेसिक बातें हैं, ये सब कुछ सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। कोई इसका छोटा मोटा सोल्यूशन नहीं है, इसका छोटा मोटा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट। हाँ। अगर आप देखें तो रियल लाइफ में भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, यहाँ पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एक्साइटमेंट के लिए मत करिए कि मुझे एक्साइटमेंट हो रही है तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप ट्रेडिंग इसलिए करिए कि आपका पैटर्न बनाए, जब भी चार्ट में कोई पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, और आपको लगता है कि आपका टारगेट इंट्राडे नहीं आया तो आप उसको होल्ड करके भी पैसा बना सकते हैं। कैसे पता करूं मैं कि मेरे लिए ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग है ही नहीं? देखिए क्या होता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या, माइंड सेट के ऊपर है। जैसे हमने पहले ही बात करी थी, काफ़ी लोगों को डर, ग्रीड और मतलब मार्केट को लेकर फियर अलग ही होता है कि भैया मैं अगले दिन के लिए होल्ड नहीं कर वो सकता। तो देखो इन्वेस्टर को भी फियर होता है कि आज कुछ हो रहा है जबकि उसने 10 साल के इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए लिया है। जी। तो उस केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इंट्राडे में हूँ या स्विंग में हूँ या पोजिशनल में हूँ, मैं कैसे पता करूँ कि क्या नुकसान करवा के पता करूँ कि यार नहीं है, या मुझे पहले ही मेरे हिसाब से पता हो, मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से पता हो कि ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मैं जाऊँ ही ना। देखिए कई बार क्या होता है, जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं उस केस में। आपको लगता है कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, आप 5 मिनट के चार्ट, कई लोग तो एक एक मिनट का चार्ट भी यूज करते हैं, उसका नुकसान क्या है? वो पता है गलत है, तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान उसका ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में नॉइसेस ज्यादा होती है, शोर ज्यादा होता है उसमें, तो आप ओवर ट्रेडिंग लगा के देखें।
जी बिल्कुल का मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का. अब निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो देखिए कितनी ज़्यादा इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स ज़्यादा दिखाई दे रही है. कुछ यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा एरिया जो है पूरा कंसोलिडेशन फेज, हर मिनट की कैंडल बन रही है. कुछ वॉल्यूम नहीं है जी, कुछ वॉल्यूम नहीं है. और दूसरी बात क्या है कि हर मिनट को आप कहीं ना कहीं मार्केट को उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते, मिनट की एनालिसिस नहीं करती कि 1 मिनट बाद क्या होने वाला है, क्योंकि आप भगवान नहीं है. बट अब इन्होंने बनाया है, कुछ टाइप ऑफ लोग तो यूज़ करते होंगे ना इसको. देखिए क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिनको मतलब ट्रेड ही करना है, उनको खाली नहीं बैठना, उनका हाथ एक लैपटॉप पे होना चाहिए और लैपटॉप पे हमेशा ट्रेडिंग ही करते रहेंगे या फ़ोन पे ट्रेडिंग करते रहेंगे, वो उन लोगों के लिए हैं जो बिना ट्रेडिंग के नहीं रह सकते. उनको हर पाँच, अगर 1 मिनट का चार्ट पे कोई काम कर रहा है तो अगर आप ट्रेड भी करेंगे तो आपका टारगेट मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट का रहेगा. तो उसमें आप ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, उसमें आप अदर टैक्सेस भी दे रहे हैं, तो एटलीस्ट में आप तो कुछ नहीं कमा रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ खर्चा दे रहे हैं. और इसमें अगर पैटर्न बन भी गया वो कितनों को सस्टेनिंग होने वाला है? देखिए तो मूव हो जाएगा ना. देखिए इसमें जो पैटर्न बनते हैं उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डार्क क्राउड कवर बना है बट उसका नुकसान हो गया. यहाँ पे देखेंगे बियरिश एंगलफिंग बना है, उसमें भी नुकसान हुआ है. यहाँ पे इवनिंग स्टार है, उसमें कोई अच्छा टारगेट देखने को नहीं मिला. तो यहाँ पे देखेंगे बियरिश एंगलफिंग बना है, उसमें भी टारगेट नहीं है. तो अगर हम बात करें तो 1 मिनट का चार्ट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग करते हो. आप स्कैल्पिंग करते हो तब तो करना पड़ेगा. देखिए स्कैल्पिंग भी करेंगे बट उसका फायदा नहीं ना. स्कैल्पर की मैं स्कैल्पर हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बट मैं पैसा नहीं कमा रहा, तो मेरे स्कैल्पर होने का मतलब ही नहीं है. अगर मेरे को कमाना है तो, अगर आपको कमाना है तो आप 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट पे काम करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है. 1 मिनट के चार्ट से 15 मिनट्स का चार्ट बहुत फार 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 बेटर है. अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फिर भी आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं. बट वहीं अगर आप सोचें कि मैं 1 मिनट के चार्ट पे काम करूंगा तो वहां पे आपको सिर्फ आवाज़ें शोर ही सुनाई देगा, आपकी ट्रेडिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी. तो दैट्स वन पॉइंट कि 1 मिनट चार्ट यूज़ नहीं करने चाहिए टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ या नहीं हूँ. और क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए हमें पहले से प्लान नहीं करना चाहिए कि मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूँ या मैं स्विंग ट्रेडर हूँ. ओके. जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बनाऊँ या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाऊँ, मेरे को कौन सी ट्रेडिंग सूट कर रही है. काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत करी थी, अब वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन गए. काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मार्केट में आए थे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, वो इंट्राडे ट्रेडर बन गए हैं. वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि कौन सी मार्केट आपको सूट कर रही है और आपकी नीड क्या है एक्चुअल में. तो मतलब डुबकी लगानी पड़ेगी. बिल्कुल लगानी पड़ेगी उसके बिना नहीं. जी जैसे कि काफ़ी लोग, जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले कॉल आया और उन्होंने बोला कि भाई मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, जो भी है. तो उन्होंने बोला मार्केट से कितना रिटर्न आ सकता है. मैंने कहा सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उन्होंने कहा मेरी एक्सपेक्टेशन है 7-8% की मंथली. मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने बोला कि 7-8% चाहिए और अगर बात करें साल का तो पैसा ऑलमोस्ट डबल ही हो गया. तो उनकी डबल की एक्सपेक्टेशन थी. तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे. Correct. किसी की एक्सपेक्टेशन कम हो सकती है, वो कहते हैं मैं महीने के 1.5-2% चाहिए. तो उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है. और कोई चाहता है कि मेरे को हर ट्रेड में पैसा डबल करना है, तो उनका काम करने का तरीका है अलग है. आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, या फिर कल कोई बड़ी न्यूज़ है, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपनी पोजीशन को हैच करके भी चल सकता हूँ. एग्जांपल के तौर पे मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो मैं फ्यूचर सेल करूँगा तो वो पोजीशन हैच हो जाएगी. अगले दिन में फिर अपनी पोजीशन नेकेड बना के चल सकता हूँ. अगर मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूँ तो ऑप्शन में भी हैजिंग कर सकता हूँ. या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई पोजीशन बाय कर रखी है, आपने इक्विटी बाय की हुई है, तो वहाँ पे उस केस में क्या कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. तो अगर आप नेक्स्ट डे का रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं. बट अगले दिन मार्केट गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, उसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं होगा. अब देखो स्विंग की बात कर रहे हैं अपन, स्विंग में होल्ड करना पड़ेगा. एक तरह से इंट्राडे के रिलेटिवली रिस्क कम भी है कुछ ना कुछ लेवल पे, क्योंकि मैं होल्ड करके जा रहा हूँ, बस टाइम है थोड़ा डिसीजन लेने का. लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक टारगेट प्राइस के साथ मार्केट में स्विंग के साथ बैठ गया हूँ कि भैया मार्केट जाएगी, मैं होल्ड करके बैठा रहूँगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस सही है, एक पॉइंट ऐसा टाइम आता है ट्रेड के अंदर तीसरे दिन या चौथे दिन जब मार्केट एक्चुअल में रिवर्सल पर चली जाती है, उल्टी डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है थोड़ा बहुत. ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ मार्केट बेरिश हो गई और वॉल्यूम पर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट हल्का फुल्का गिरने लग गया और कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे ग्रेजुअली गिरे जा रहा है, फिर बढ़ता है लेकिन गिरे जा रहा है अगले 2-3 दिन के लिए. कब मेरे को पता लगेगा कि मेरा एनालिसिस सही था, अब मेरे को अपने पे विश्वास करना चाहिए या अभी मार्केट वापस आएगी, मेरे को मार्केट पे विश्वास करना चाहिए?
देखिए, जब भी आप ट्रेड बनाते हैं तो ट्रेड जब आपने बनाया था तो आपने टेक्निकल के बेस पे ट्रेड बनाया था या फिर अपनी किसी एनालिसिस के बेस पे बनाया था। ट्रेड लेते समय आपका जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि आप देखते हैं कि बाल बादल छाए हुए हैं, आप छाता लेके बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखा कि भाई अच्छी खासी धूप खिल गई, तो वो छाता ही आपके लिए बोझ बन जाता है और आप सोचते हैं कि बेफालतू में छाता लेकर आया। बट जब आपने बादल देखे थे और जब आपने छाता लेके बाहर गए थे, तब आपने सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लिया था। करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम डिसीजन लेते हैं अपना, तो हमने सिचुएशन के हिसाब से लिया था। तो कई बार, ज़्यादातर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाता है, हमें लगता है कि हमारा टारगेट बहुत जल्द आएगा, बट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। बट क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कब मुझे लगेगा कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो देखिए जब तक आपका ट्रेड परफेक्ट है, जब तक आपका SL ट्रिगर नहीं होता, जब तक आपका ट्रेड परफेक्ट है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके SL है 50-50 पैसे से बच जाते हैं और उसके बाद अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई ट्रेड बनाया, आपने कोई स्टॉक है 500 रुपीज़ का चल रहा था और आपका टारगेट था 520 का, और आपने 500 पे बाय करा और वो स्टॉक 515 तक चला गया और वहाँ से आपका जो टारगेट था सिर्फ 5 पॉइंट से रह गया और उसके बाद स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो प्रॉफिट का जो ट्रेड है लॉस में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है और रेंज ही बड़ी नेक्स्ट लेवल की बन रही है रोज़ की, और उस केस में मेरा भी रिस्क एपेटाइट अच्छा है मान के चलते हैं, और मैंने ऑनेस्टली स्टॉप लॉस लगाया नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है मार्केट वोलेटाइल है। अगर मैं एग्जिट नहीं करना चाहता इतनी जल्दी और मैं टारगेट भी ऊंचा लेके चल रहा हूँ, रिस्क भी तगड़ा मेरा, रिवॉर्ड भी तगड़ा। उस केस में जब मैं स्विंग में बैठा हूँ होल्ड करके, उस केस में अगर यही सिचुएशन हो जहाँ पे मार्केट ग्रेजुअली ही गिरे जा रही है, रेंज अपना बेरिश करके चली गई है लेकिन मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं हुआ, मैं खुला खेल रहा हूँ, उस केस में जब मैं रिस्क, मुझे पता है मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या करूँ मैं? देखिए, ऐसे होते हैं 10 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो यही करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट बिल्कुल चला गया तो हो सकता है वही ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली कर दे, तो ऐसा भी होता है। मार्केट वॉलेटाइल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। मार्केट वॉलेटाइल है तो कोई बात नहीं, बट हमें तो अपना स्टॉप लॉस लेके चलना है। मार्केट हो सकता है कि हमारे इतने ज़्यादा अगेंस्ट चले जाए कि पूरा अकाउंट ही खाली कर दे, उससे बेटर ये है कि थोड़ा मोटा लॉस दे के मार्केट से एग्जिट कर दे। और दूसरा ये है कि अगर आपका SLB ट्रिगर हो जाता है तो भी आप जब अगेन उसमें पैटर्न देखने को मिलता है तो आप री एंट्री भी तो कर सकते हैं। तो ये मना थोड़ी ना है कि अगर आपका किसी स्टॉक में SL कट गया तो दोबारा से एंट्री नहीं ले सकते, दोबारा भी एंट्री ले लीजिए, एक बार लॉस बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देन एंटर विद दैट नीचे वाला लेवल। देखिए, मार्केट में वही आदमी कमाता है जो नुकसान मार्केट को देना पसंद करता है। हाँ। अगर आप मार्केट को नुकसान देंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप चाहें तो कि मैं मार्केट को नुकसान ना दूं, तो आप कभी भी एक रुपया एक चमन भी मार्केट से नहीं कमा सकते। तो नुकसान देना भी सीखना चाहिए, बट नुकसान देना इतना है, लेना इतना है। सोचते तो सारे यही है कि देना इतना लेना इतना, पर देना इतना होता है लेना इतना होता है। चलो मैं अब आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी निफ्टी का चार्ट लिया हमने और निफ्टी में हमने कोई पैटर्न लगाया। अब हम पैटर्न देखते हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या करना है, देना कम है लेना ज़्यादा है। करेक्ट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अवर्ली का चार्ट लगाया और अवर्ली के चार्ट पे हम क्या करेंगे, पैटर्न्स लगाएंगे। यहाँ पे हम ना ये इधर एक फॉलिंग वेज देखने को मिला है, राइट। ये फॉलिंग वेज है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टूल्स का यूज़ करेंगे। ये फॉलिंग वेज है। दूसरा, हमने आपको बताया था कि ये मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है। हमने लास्ट वीडियो में डाइवर्जेंस के बारे में बताया था, जब प्राइस चल रहा था निफ्टी का 17,000 के आसपास, तब बार्स कहाँ थे, डाउन। उसके बाद नया लो बना 16,750 के आसपास। ओके, बार्स कौन नीचे थे, इससे नीचे होने चाहिए थे पर ऊपर, बट ये क्या है, ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गए, पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो गए। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस में, तो बाजार ने हमें इशारा दे दिया कि अब बाजार तेज हो सकता है, ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अब हमें दूसरी कंफर्मेशन भी तो लेनी है। दूसरी कंफर्मेशन ली हमने, एक पैटर्न वाला नीचे जिसको बोलते हैं हैमर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हैमर है, हथौड़ी की शेप में होता है।
ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। जो लास्ट वीडियो में हमने आपको लॉजिक्स बताए थे, सेम लॉजिक इसमें भी बैठते हैं कि डाउन ट्रेंड में बनेगा 20 कैंडल्स होनी चाहिए, हैमर का लो अनब्रेकेबल होना चाहिए, हैमर की बॉडी और शेडो में 70-30 का रेशियो होना चाहिए, हैमर के ऊपर छोटी सी शेडो भी हो सकती है, उसके नेक्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, बुलिश का हाई ब्रेक होता है तो वहां से आप अपनी पोजीशन बाय बनाएंगे हैमर के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें 1:3, 1:4 का भी ले सकते हैं। ये तो हो गया इसके लॉजिक्स। और तीसरा क्या हुआ कि फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी देखने को मिल गया। अब आपको चार्ट पैटर्न ने भी बोल दिया बाय कर लो, आपको कैंडलस्टिक ने भी बोला बाय कर लो, और आपको डाइवर्जेंस भी मिल गए, पॉजिटिव वॉल्यूम्स भी मिल गए, जो तीनों के तीनों इशारा दे रहे थे कि बाजार में तेजी आएगी। अब उस केस में क्या करा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब आप राइड किससे करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज को जो ब्रेक करा, और जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे, राइड करेंगे। अब यहाँ पे आपने बाय करा एग्जांपल के तौर पे 17,000 पे, और 17,000 के बाद इसने आपको जो एग्जिट कराया है वो कराया है 17,300 के आसपास, 350 के आसपास। तो वहां से आपने कितने करे 350 पॉइंट्स निफ्टी में लिए हैं, तो 350 पॉइंट्स आपको इंट्राडे में तो नहीं मिलेंगे, इसमें दो दिन लग गए। तो यहाँ पे आपने स्विंग ट्रेड बनाया होता और आपने MACD से प्रॉफिट राइडिंग करी होती तो आप अच्छा खासा पैसा बनाते, जो कि इंट्राडे में पॉसिबल नहीं था। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी इज देयर स्विंग में, डेफिनेटली, एंड एट मल्टीपल लेवल्स, बार बार। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कमोडिटी मार्केट में जाएंगे तो 6 स्क्रिप्ट हैं, 6-7 स्क्रिप्ट हैं, वही कॉपर, नेचुरल गैस, NG और गोल्ड, सिल्वर, इसमें काम होता है। बट यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इतने सारे सेक्टर्स हैं, बस आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं और आपको ट्रेड करना है। मुझे ये समझाइए थोड़ा, ये क्या हुआ है यहाँ पे? देखिए क्या होता है कि बाजार में एक डाउन ट्रेंड चला था। ये डाउन ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डाउन ट्रेंड। हम सबको दिखता है कि बाजार नीचे गिर रहा है, बट बाजार के नीचे गिरने का कारण क्या था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे, बायर्स कम थे। अब हम ये सोचेंगे भाई ये सेलर्स कौन थे, सेलर्स थे वो स्मार्ट आदमी जो सेल कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट में। जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे बाय करता है और जो स्मार्ट आदमी है यहाँ पे सेल करता है। तो स्मार्ट आदमी की जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा होती है, इस वजह से मार्केट में डाउन ट्रेंड बनता है। जो हम यहाँ पे वेज की बात कर रहे थे, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ तक जाएगा, बट ये दीज टू थिंग्स आर गोइंग इन पैरेलल, करेक्ट? तो इसके अलावा भी कोई ऐसी टेक्निक्स होती हैं, MACD यूज़ कर रहे हैं हम, पैटर्न्स ड्रा आउट कर रहे हैं, क्या स्विंग को लेके कुछ और भी चीज़ है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए इसमें ना बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, जैसे अभी हमें लाइव मार्केट में ही यहीं पे फॉलिंग वेज देखने को मिला तो हमने आपको बता दिया। अगर हम इसे और भी ज़्यादा बैक टेस्ट करें तो काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि टॉप पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड है, अब ट्रेंड क्या है कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो उनकी पोजीशन सेलिंग में होगी और स्मार्ट आदमी यहाँ पे बाय कर रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं तो उसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बट जब प्रॉफिट बुकिंग करती है, जो ऑपरेटर होता है मार्केट में, जब उनकी कोई पोजीशन बनाता है तो मार्केट हमें इशारा देता है, क्योंकि बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, बट आपको समझना आना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न के साथ यहाँ पे इस जगह पे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, और अगर आप एक छोटे से डबल टॉप पे ट्रेड करते हैं 17,970 पे, और अगर आप प्रॉफिट राइडिंग करते हैं MACD से, तो इसने आपको एग्जिट कहाँ पे कराया है, कुछ 17,500 के आसपास। तो यहाँ पे भी आपके कुछ 400-500 पॉइंट्स आपके बन गए हैं, एक छोटे पैटर्न से बड़ा धमाका हुआ है। तो ये बेसिकली चार्ट पैटर्न का पार्ट है। अब ऐसे ही डबल टॉप है, डबल बॉटम है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतना कुछ है सीखने के लिए। बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है और महीना दो महीना टेक्निकल्स पे फोकस करना है, और देखो आपकी भी एक्यूरेसी कैसे 70-80% आती है। ठीक है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है पैटर्न, डबल टॉप बना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे एक बन रहा था छोटा सा पैटर्न आप बता रहे हैं, ये डबल टॉप है। अच्छा, ये डबल टॉप, डबल टॉप है। तो डबल टॉप हमने देखा, उसके अलावा हमने कुछ वेजेस भी देखे हैं पहले। हम साथ में MACD लेके चल रहे हैं, उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ये रेड और ब्लू लाइन का क्रॉसिंग देख रहे हैं, उसके बेस पे हम एग्जिट निकाल रहे हैं। ये MACD वर्क्स विद एवरी पैटर्न व्हाटसोएवर,
बिल्कुल, MACD सबके साथ काम करेगा। देखिए क्या होता है ना कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं कि भाई हम VWAP भी कर ले, RSI भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले। जब MACD सारे काम कर रहा है तो आपको किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आपको दूर जाना है तो सामान हल्का ही लेके चलोगे। तो बेटर यह है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो दो चार चीज़ों से भी आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। जैसे ब्रूसली है, ब्रूसली ने बोला था कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 किकें आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार करी है। तो मेरे हिसाब से चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी भी एक्यूरेसी मार्केट में 70-80% आ सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाओ। बातें बहुत अच्छी करते हैं, स्टॉक मार्केट को सिंपल भाषा में समझाने के बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। चलो मैं ना अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी टेक्निकल्स हो गया थोड़ा बहुत। मैं चाह रहा हूँ कि क्या हम स्विंग्स में, लेट से 3-4 हफ्ते का स्विंग है वो है, कुछ होते होंगे उस स्विंग में, क्या फंडामेंटल्स की कोई वैल्यू है? देखिए फंडामेंटल की वैल्यू हो सकती है। फंडामेंटल की वैल्यू किस बेस पे ली जाती है? अगर कोई इवेंट है, कोई न्यूज़ आने वाली है, आप अगर उस न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो उसकी वैल्यू रहती है। बट अगर मैं बोलूं कि भैया टेक्निकल भी पॉजिटिव है और आपका फंडामेंटल भी पॉजिटिव रहता है तो उस केस में ये कर सकते हैं कि आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा राइड कर सकते हैं। श्योरिटी ज़्यादा आ जाती है, कन्फर्मेशन मिल जाती है फंडामेंटल से। ओके, सो यू आर सेइंग कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट है वहाँ पे। बिल्कुल, अगर फंडामेंटली वीक है स्टॉक और लग रहा है स्विंग में अच्छा जा रहा है तो देखिए, अगर टेक्निकली अगर स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटल नेगेटिव है तो बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट में हमने टेक्निकल्स पे ज़्यादा रिलाई करूँगा। ओके, तो क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और मेरे पास स्टॉप लॉस है। कई बार जो ब्लाइंडली फंडामेंटल्स करते हैं तो उनके पास स्टॉप लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि भाई एक स्टॉक है 500 रुपये का रेट चल रहा है, इसे आप खरीद लो, ये अच्छा है, ये अच्छा स्टॉक है, इसे खरीद लो। बट आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि 500 रुपये का स्टॉक चल रहा है किस रेट पे अच्छा है? 500 रुपये पे अच्छा है, 400 रुपये पे अच्छा है, 300 रुपये पे अच्छा है, या फ्री में अच्छा है? वो लेवल्स के लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल्स पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल्स भी समझ गए अपन, बट अगर लेट्स से कि मार्केट में कोई अब स्विंग कर रहे हैं हम, तो टाइम है हमारे पास, तो मार्केट में कोई न्यूज़ आती है किसी सेक्टर को लेके, किसी कंपनी को लेके, मान लीजिए किसी बड़े इन्वेस्टर ने कोई कंपनी के शेयर वैसे ही खरीद दिए, इक्विटी खरीद ली उसमें 5-10%, बड़ा इन्वेस्टर बन गया वो भी उसमें, तो उस केस में कुछ दिन तक तो वहाँ पे हवा फैलेगी उस स्टॉक में। एटलीस्ट रिटेल ट्रेडर तो उसमें घुसेगा, एटलीस्ट छोटा रिटेल ट्रेडर जो न्यूज़ के बेस पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो न्यूज़ के बेस पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है ऐसे स्टॉक्स में, क्या उसको उसका फ़ायदा स्विंग ट्रेडर को हो सकता है? देखिए क्या होता है कि जो न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एक बार तो ट्रैप हो गई होगा और वो बहुत अच्छे वाला ट्रैप होने वाला है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो न्यूज़ के बेस पे चल रहा है। अब एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ सिर्फ मेरे पास थोड़ी नहीं है, वो न्यूज़ आपके पास भी आई है, वो किसी और के पास भी गई है, क्योंकि बिजनेस चैनल सबके घर में है, सबके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, सबको पता है कि कौन से स्टॉक में न्यूज़ आने वाली है। जब एक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो जाए और सब लोग एक जैसा ट्रेड बना ले तो सोच लो कि वो जो बड़ा प्लेयर है उसके अगेंस्ट में ट्रेड बनाने वाला है, तो वहाँ पे कौन बताएगा आपको, कौन बचाएगा? वो है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स। अब ये न्यूज़, मैं अगेन एक क्वेश्चन बिफोर आई मूव अहेड, अब ये न्यूज़ एक्चुअल में जेन्युइन न्यूज़ भी हो सकती है मोर लेस? न्यूज़ का मतलब है कि किसी, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम एनर्जी सेक्टर पे ध्यान देने वाले हैं अगले 6 महीने, या कोई सरकारी कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है बाहर से 1000-2000 करोड़ का, चाहे वो इसरो को मिल रहा है जिससे इसरो जिन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है वहाँ से कनेक्शन बन जाता है, वहाँ पे कंपनीज पे इम्पैक्ट आ सकता है। अब ये वैलिड न्यूज़ है, जेन्युइन चीज़ें हैं, इसका इम्पैक्ट तो होना ही है और शॉर्ट टर्म में नहीं, कुछ दिनों के लिए तो होना ही है, वहाँ पे क्या फ़ायदा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट का सपोर्ट एरिया देख सकते हैं, उस सपोर्ट के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं और उसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मैंने कोई स्टॉक लिया तो मेरे स्टॉक से 50 पैसे, जिस रेट पे मैंने लिया है उस रेट से 50 पैसे भी नीचे ना जाए, और थोड़ा सा भी नीचे जाता तो घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जबको पता है कि 6 महीने बाद उसमें एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा, स्टॉक राइज करेगा, उसमें थोड़ा टाइम होगा, टाइम ले सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस भी उस ट्रेड में रखने पड़ेंगे। तो स्विंग को लेके तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स मोर लेस क्लियर हो गए, और इसका इंट्राडे से स्कैल्पिंग से, स्कैल्पिंग तो बहुत खैर अलग बात हो गई, पर इंट्राडे से क्या फ़र्क है, किस लेवल में फ़र्क है, माइंडसेट के फ़र्क क्या है, किस तरह से एनालिसिस करना है, किस तरह से टाइम फ्रेम्स लेने हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखने हैं और MACD का इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे खासे लेवल पे आई गेस वी आर एबल टू, एटलीस्ट मैं समझ पाया हूँ एंड आई होप कि जो देख रहे हैं वीडियो वो भी समझ पाए हूँ। बट एट द सेम टाइम स्विंग ट्रेडिंग को लेके आपके जो भी सवाल होते हैं, इनफैक्ट किसी भी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग को लेके आपके जो भी सवाल हैं टेक्निकल्स के साथ, आप जरूर कमेंट्स में पूछेगा।
क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमें और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इससे और एडवांस लेवल जाना चाहिए, थोड़ा बेसिक लेवल रहना चाहिए, इसी लेवल के अंदर भी और क्या क्या आस्पेक्ट हो सकते हैं जो अभी हमने टच नहीं किए बट करने चाहिए थे, वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अवेली थैंक यू सो मच अगेन उमेश फॉर हेल्पिंग अस आउट विद स्विंग ट्रेडिंग। अगले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ऑप्शंस के बारे में बताओ, तो एक वीडियो वो भी करके देखेंगे कभी ना कभी। बिल्कुल सर।